ये रस्ते के बीच में कौन खड़ा है? शौर्य! आदित्य, मैं मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ ना। ओके, नेक्स्ट। चिंता मत कीजिए, वो तीनों इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि खजाने की सेल का सारा पैसा उन्हें मिलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा, हमारा काम पूरा हो चुका होगा। मुझे शक है कि केडी छुपी हुई माइक्रोफोन से हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। What? हाँ, और वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। धोखा? The Imperial Crown of India। इस ताज को लंदन के मशहूर ज्वेलरी हाउस गराड ने तैयार किया। You mean हमें ये ताज? Yeah, हम यही ताज चुराने वाले। सब तैयार? गुड। नजर रखते हैं इसके ऊपर, लगता कोई आ रहा है। चलिए, रुको! ये क्यों हो रहा है? वेताल! क्या मैं वेताल क्यों कह रहा हूं? तुम लोग अपने काल में नहीं हो वेताल। कम टू डैडी बेबी। ए, हु आर यू? बेताल, तुम बच के नहीं जा सकते। आक्रमण! वक्त नहीं हमारे पास, दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और अभी झूठ से पर्दा हटाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या झूठ बोला हमने आपसे? डैडी, हम सब जानते हैं, खजाना बेचने के बाद जो तू पैसे कमाने वाला है उससे एक फूटी कौड़ी ना देने वाला हम लोगों को। अभी वापस लौट चलिए, हम सब आपको बताएंगे। बेताल लौटे, अवश्य लौटे। हम उनकी समय यात्रा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। और वो सोल्जर्स, उन्हें कैसे पता कि हम टाइम ट्रैवलर्स हैं? सबसे पहले ये बताओ कि हमारे खजानों को बेचकर पैसे किसको देने वाले हो? करीब 2 साल पहले कैलिफोर्निया से हम एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करके लौटे थे। हमारे पिताजी का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था।
कहने के लिए तो हम उनका बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी, हमारा जुनून कुछ और ही थी। बचपन से हमें टाइम ट्रेवल के ख्याल से ही बड़ा लगाव था। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी सब हम पर हंसते थे। उनके लिए टाइम ट्रेवल सिर्फ एक फैंटेसी था, जैसे साइंस फिक्शन नॉवेल्स और फिल्म्स के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हमने आइंस्टाइन और रोजन की थियरी स्टडी, हम पर एक जुनून सा सवार हो गया। उनकी थियरी थी कि एक वर्म होल के जरिए टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। के कहा ए, ए, कौन होल? वर्म होल कौन सी कड़ी का नाम है भाई? जब कोई इंसान रोशनी की रफ्तार से तेज सफर करता है तो समय की एक ऐसी सुरंग तैयार होती है जिसके जरिए वो अतीत में यात्रा कर सकता है। इसी सुरंग को वर्म होल कहते हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस थियरी को सच्चाई में बदलना मुमकिन है, और हम सोते जाते उसकी खोज में डूब गए। लेकिन ये खोज जितनी गहरी होती थी, हमारी मंजिल हमसे उतनी ही दूर होती नजर आ रही थी। और साथ ही अपनों से दूरियां भी बढ़ने लगी। रात के 3 बज गए थे। जानते हैं, रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। आपको क्या लगता है इस बात पे? मुझे सोने के लिए बस ये एक लास्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर ले। जी नहीं, आपकी आखिरी रिपोर्ट का बहाना कई रातों से बना, इसलिए आज ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तो जानती हो, हम तुम्हें कितना चाहते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बोस्टन रिसर्च सेंटर से मुझे एक मेल आने वाला है जिसका मुझे इंतजार है, तुम बुरा तो नहीं मानो? जानती हो, मैंने उन्हें वर्म होल्स पर एक थीसिस भेजी थी। लो आ गया, आ गया। यस, मेरी तरह उनका भी मानना है कि दो टाइम जोन्स को कनेक्ट करने के लिए एक वर्म होल बनाया जा सकता है, बनाना मुमकिन है, जो कि सॉरी, हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं जानती हूँ ये काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने भी हमेशा आपको सपोर्ट किया है। तो पता है कि अब ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बनते जा रही है। तुम हमें गलत समझ रही हो। प्लीज कार्तिक, मुझे बहलाने के लिए बहाने मत बना। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। केतु जल्दी आओ बेटा, नाश्ता लग गया है। Ha 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 ha
मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। पता है कल हम लोग के स्कूल में ना एक आउल आया था। अच्छा। छोटा था बट आई थिंक इट वॉज अ बार्न आउल। ओ फिर? फिर मैंने सब पकड़ने की कोशिश की। पकड़ा के नहीं। तो बेटा चलो बस के आने का टाइम हो गया। स्कूल जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? हाँ अगर आज आउल फिर से आया ना तो उसे जोर से पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट। वैसे तो तुम्हें देखते ही पेट भर जाता है लेकिन आज भूख बहुत लगी। ब्रेकफास्ट मिलेगा? ये नहीं जो टॉक करते। नॉट दैट टू श्योर लेकिन पहले अगर वो कार्तिक मैं मजाक नहीं कर रही। ये सब कैसे हो गया कार्तिक? हम एक दूसरे से दूर कैसे हो गए? मानते कि हमने अपना काफी वक्त अपने काम में। नहीं कार्तिक सिर्फ आपका वक्त ही नहीं मेरे सपने खेतों के बचपन सब कुछ झोंक दिया है आपने। कभी ऐसी चीज के लिए जो शायद है ही नहीं लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपको एक नामुमकिन सपना दिखाई देता है कार्तिक लेकिन हम जो आपके साथ जो आपसे प्यार करते वो लोग आपको नजर नहीं आते कार्तिक। तुम ठीक कह रही हो लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि अपने काम में उलझ कर हम तुम दोनों को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। हमें माफ कर दो। I really love you, Lena। तुम और केतु ही हमारी जिंदगी हो। दादी, I love you। प्लीज वापस आ जाओ। आई नीड यू कार्तिक। प्लीज वापस आ जाओ। हम दोनों को साफ नजर आ रहा था कि हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगी पर हम अपनी दुनिया को इस तरह बिखरने नहीं दे सकते थे। हमने एक नई शुरुआत का फैसला किया वहीं से जहां हम पहली बार मिले थे एक कॉलेज ट्रिप में अजंता एलोरा। उस प्यार को उस रिश्ते को फिर से नहीं जिंदगी दे। तभी हमारी नजर एक दीवार पर पड़ी। अच्छा चलो बहुत देर हो गई। चलो अभी केतु को भी भूख लग रही है। कार्तिक मैं अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम अजंता एक्लिप्स में कैसे हो सकता है। कहीं किसी का कोई मजाक तो नहीं था। हमने वहां लोगों से बात की वहां के रिकॉर्ड्स चेक किए फिर पता चला कि वाकई ये मंडला सैकड़ों साल पुराना है। वहां उसे दैविक मां का मंडल कहते हैं। ये कोई मजाक नहीं था। फिर हमने लीना और धूमकेतु को घर भेजा और खुद 2 महीने तक वहीं रुके। फिर हमें पता चला कि जिस दीवार पर वो दैविक मंडल है उस पर कभी पहले 5 मंडल हुआ था लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा और वो मंडल लद्दाख के एक महंत लेकर आए थे। हमने तय किया कि हम लद्दाख जाएंगे।
आपने अभी तक खाना नहीं खाया। हम उसे लद्दाख में ही क्यों ढूंढ रहे हैं? हो सकता है कि वो मंडला किसी और जगह से हो। आफ्टर ऑल ऐसे मंडला हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा है, और यह भी हो सकता है किसी और ने उसका डिजाइन कॉपी करके। स्टॉप इट कार्तिक, जस्ट स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा, और क्यों दे रहे हैं हमें ऐसी तकलीफ? मेरे बारे में ना सही, इस केतु के बारे में तो सोचिए। उसके लिए तो जैसे उसके पापा होकर भी नहीं है। एक पल के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, आप लौट आए, लेकिन लेकिन नहीं। कार्तिक, आखिर कब तक चलेगा ये पागल? जब तक हमारा रिसर्च खत्म नहीं हो जाता। सर, आपको याद दिलाने आया था कि आज आपकी दीक्षित के साथ वो तो जो आज इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। तो क्या आपको मंडला मिले ही नहीं? मिले कहां? पूरा एक साल हम हिंदुस्तान भर में घूमते रहे। मंडलाओं पर जो भी जहां भी किताबें थी हमने वो सब पढ़ी। आखिरकार हमें एक ऐसी किताब मिली जिसमें मंडलाओं के क्रम का जिक्र था जिसकी हमें तलाश थी। भास्कर नाम के लेखक ने लिखी थी किताब, और फिर उन्होंने उन पांच मंडलाओं का निर्माण किया जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य शामिल थे। उन्होंने ही इन्हें नाम भी दिया, दैविक मार्ग के मंडल। ये उन्होंने कौन है? इन मंडलाओं के असली आविष्कारक प्राचीन विद्वान जीनियस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। यू मीन नालंदा के आर्यभट्ट? ही वॉज अ जीनियस। अपने समय से कई हजार साल आगे थे वो, और इनफैक्ट आज भी साइंटिस्ट उनके थ्योरीज और डिस्कवरीज को लेकर हैरान है। यह वही आर्यभट्ट, लेकिन उस जीनियस से पहले मैं आपको किसी और इंसान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अरे माता का मंदिर बन रहा तो हम क्या करें? यहाँ कोई दानव नहीं मिलेगा। जानता मैं कौन हूँ? मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। तू क्या एक? फिर देखता हूँ दान कैसे नहीं निकलता। हाँ, भिखारी बोला मेरे को? तू क्या? ये क्या गुंडा करती? अरे गुंडा करती नहीं है, देवी माँ के चंदा। प्रोफेसर साहब, सचिन दीक्षित रायपुरा कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक थे। एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये क्या हालत बना रखी है आपने? एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट की किसी को आवश्यकता नहीं है सर, विशेषकर जब हमारी कतार ही उन आरक्षित जमाइयों के बाद शुरू। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और आप जैसे समझदार आदमी को ये शोभा भी नहीं देता। आप क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले? सर, आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन भूखे पेट अब ये लेक्चर हजम नहीं होते। चलता हूं। रुकिए सचिन, हमें एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है, और आपको एक नई दिशा। हमें विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते। दया कर रहे हैं आप मुझ पर? एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट को बर्बाद होने से बचा रहे। धन्यवाद सर। डूबने को तिरके का सहारा भी मिल जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। सचिन दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, लाइए। देखते ही देखते वो हमारे लिए इतना जरूरी हो गया कि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपनी लैब को हम सचिन के भरोसे छोड़कर
नालंदा के लिए रवाना हो गए। नालंदा चाहे एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां सदियों तक दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, मुझे विश्वास था कि उन्हीं खंडरों में कहीं मेरी खोज की मंजिल भी थी। हेलो सर, हाउ आर यू? ग्राम सिटी, बिग सिटी, मुंबई, दिल्ली, कम ऑन टाइम सर, गुड गर्ल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, व्हाट यू लाइक? नहीं चाहिए। सी आई गेट फोटो, लुक ऑन टाइम। अजीब जबरदस्ती, ये कहा ना नहीं चाहिए। सर जन्नत दिखाई दे, हमने कहा ना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक। कहाँ है जगह? सर अलकापुरी। अपने वाले चले? हाँ बिल्कुल सर। ये खंडहर नालंदा से कुछ ही किलोमीटर दूर, यूनिवर्सिटी से अलग, सदियों से इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। फिर लुटेरों ने इसे अपना अड्डा बना लिया। सर जन्नत, और आज यहाँ एक वेश्या घर है, नशेड़ियों का अड्डा है। सर आइए, आइए सर। सुनिए। अरे सर तुम फोन दिखाइए। सर क्या हुआ? मोबाइल फोन। सर बताएंगे। अरे आपके सामने सर हूर की परिया खड़ी है, देखे ना सर, टीना सीला मुन्नी, देखे ना सर। अपना फोन दीजिए। अरे सर बताइए ना क्या हुआ सर, फोन दीजिए तो। जी सर। ये फोटो आपने कहा कीजिए? अरे सर बताएंगे क्या हुआ सर। कहाँ है जगह? अंदर है सर, मैंने अंदर फोटो खींची थी। अरे साहब क्या हुआ, कौन सी? सदियों के उजाड़ के बाद भी उन मंडलों का तेज जरा भी कम नहीं हुआ था। दैविक मार्ग के मंडल हमारी आंखों के सामने थे। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन मंडलों में वो डायग्राम था जिसमें अतीत में यात्रा करने की विधि बताई गई थी। उन खास धातुओं के नाम हमें वहीं मिले जिन्हें पिघलाकर एक मिश्र धातु बनती है, जिसकी मदद से हम वर्म होल में दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू सचिन। बस दो बातों का जिक्र नहीं था उन मंडलों में। पहली बात, वर्म होल बनाने के लिए इतनी सारी ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमने हाई पावर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के जरिए उस समस्या का हल निकाल लिया। दूसरी समस्या और भी मुश्किल थी, वो ये कि टाइम ट्रेवल करने के बाद अपने समय में वापस कैसे लौटा जाए। शायद इस समस्या का हल आर्यभट्ट के पास भी नहीं, लेकिन हमने उसका भी हल ढूंढ लिया। हमने उसी मिश्र धातु से कड़े बनाए जो वर्म होल से ही 24 घंटे तक ऊर्जा खींचने में समर्थ होते हैं, जिससे हम अपने समय में वापस लौट सकें। टाइम मशीन अब तैयार हो चुकी थी, पर इस जीत की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार्तिक, अब हमें नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में हमारे या धूमकेतु के लिए कोई जगह है। हम जा रहे हैं कार्तिक। ये किस लिए सर? आज अतीत में हम अपना पहला सफर करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। कहाँ सर? नालंदा, सन 535 में, जहां टाइम मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। सर ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी सर। ये हाथ में पहनिएगा और ये अपने कानों में लगाइएगा।
हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ सर, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराइए नहीं। हम जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए थे। हम जब पहुंचे तो नालंदा अपने श्रेष्ठता के शिखर पर था। दुनिया भर के हजारों स्टूडेंट्स थे यहां, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज की। और कुछ ही देर में हमारे सामने आए वो महान वैज्ञानिक जिनकी बुद्धि और प्रतिभा के सामने सब झुकते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर आर्यभट्ट। हमने उन्हें बताया कि एस्ट्रोफिजिक्स में उनके काम से हम बहुत प्रभावित हैं। अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले साइंटिस्ट से मिलकर वे भी बहुत खुश हुए और हमसे बातें करने लगे। हैरत तो हमें इस बात की थी कि हमारे साथी सचिन, जो एस्ट्रोफिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें इस मुलाकात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आर्यभट्ट सचमुच बहुत बड़े जीनियस थे। वेस्टर्न साइंटिस्ट से सभी पहले ही वे पाई और जीरो जैसी मैथमेटिकल वैल्यूज अलजेब्रा की खोज कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है। आर्यभट्ट ने टाइम ट्रेवल की थियरी तो साबित कर दी थी, पर वे खुद कभी अतीत में सफर नहीं कर पाए। वे कामयाबी से बस एक कदम की दूरी पर रह गए, पर अपने समय की सीमित टेक्नोलॉजी के कारण वे विवश थे। हमें केवल ऊर्जा के एक अपार स्रोत की आवश्यकता है बस, फिर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ब्रह्मांड के हर बंद द्वार और उसके रहस्य खोल देंगे। दूसरे आयाम तक पहुंचने के हमारे मार्ग खुल जाएंगे। परंतु इतनी ऊर्जा का स्रोत हम लाएंगे कहां से? हमने अग्नि, जल, वायु, हर तत्व की ऊर्जा का परीक्षण किया, परंतु कुछ भी काम ना आया। जिस वक्त हमारे भट्ट से विज्ञान की बातें कर रहे थे, सचिन दीक्षित अपने ही धुन में। ये सचिन कहां चले गए? प्रोफेसर साहब, क्या हुआ? ये सब पागल हैं सर, सबके सब पागल, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। भला ये लोग आपको जान से क्यों मारेंगे? मुझे क्या पता सर। ठीक है, ये मेरा है सर। अपने चोरी किए? नहीं सर, ये मेरा है सर। सोच क्या रहे हैं सर, ये लोग पागल हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए, प्लीज सर। हम निकलेंगे जब आप ने इनका सामान वापस करें। इज्जत क्लास नहीं आती आपको? आप देखिए, अभी यहां से निकलने का प्रबंध कीजिए। अपने नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल रखिए सर। क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? पुलिस को फोन कर रहे हैं। फोन रख दीजिए सर, आइए बैठिए, जरा शांति से बात करते हैं। ये कड़ा देख रहे हैं सर, ग्रे मार्केट में इसका मूल्य क्या होगा आप अनुमान भी लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता। किसी अनुभवी जौहरी के लिए ये अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। ये कितना पुराना है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि हम इसे कहां से और कैसे लेकर आए, और फिर मैं उसे शरत सचिन। अरे सर, आपको तो पता ही नहीं आपने क्या बनाया है। नहीं सर, आपने तो सिर्फ पुर्जे जोड़े हैं इधर उधर से। सोचने का काम तो बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक करके चले भी गए, है कि नहीं? ये टाइम मशीन तो आपकी है ही नहीं,
ये तो आपका एक राज है सर, राज जो बाहर आ गया ना तो आपसे ये सब कुछ छिन जाएगा। देखते ही आपके लैब पर धावा बोलेंगे सर, दूसरे वैज्ञानिक कहेंगे ये सब फ्रॉड है, फिर आपको साबित करना होगा। आप साबित करेंगे तो फिर कहेंगे कि प्रमाण लाइए कि आप ही ने इसे बनाया है, फिर आपका पोल खुल जाएगा सर कि ये फॉर्मूला तो किसी और का है। फिर सरकार अपना हक जमाएगी, फ्रांस अमेरिका जापान सब अपना हक जताएगा। क्या पता सर, आपके इस टाइम मशीन को एक हिंडोले में बदल दिया जाए। सोचे ना सर, गर्मी की छुट्टियों में माँ बाप अपने बच्चों को पानीपत की लड़ाई देखने लेके जा रहे हैं, या फिर शादी के बाद अकबर के महल में हनीमून मना रहे हैं। 100 बात की एक बात है सर, पूरी दुनिया मजे लूटेगी और आपको मिलेगा एक ठेंगा। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि हम दोनों इस टाइम मशीन का सही इस्तेमाल करें। कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, ये बार बार समय में पीछे आगे जाने में बहुत खतरा है, और वैसे भी हमारे काम के लिए तो अनुभवी लोग चाहिए, पेशेवर चोर। एक टीम बनाते हैं सर, इस देश के सबसे श्रेष्ठ पेशेवर चोरों की, जो अतीत में जाकर चोरी करेंगे, लूट मचाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे सर, करोड़ों में। हैरान हूं मैं आपकी इस घटिया सोच पर सचिन दीक्षित, टाइम मशीन साइंस की देन है, उन महान साइंटिस्ट की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इसकी शोध में अपनी जान तक गंवा दी। आप भी कैसे सोच लिए कि ऐसे ऊंचे काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे? आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहिए, दफा हो जाइए यहां से। अच्छा, अब जो हमसे योजना मिल गई तो हमें दूध में से मक्खी की तरह उठाकर फेंक रहे, सारी मलाई खुद चट कर जाना चाहते हैं। हमें मजबूर मत कीजिए, हमें आप ही पुलिस को फोन करके बुला लेंगे, चाहे हमें अपनी टाइम मशीन खोने क्यों ना पड़ जाए। Just get out!